हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर ट्विंटैक यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप यहां पे गिफ्ट कार्ड क्लेम कर सकते हो। आपके फोन पे में जो भी पैसा होगा, गिफ्ट कार्ड परचेस किए होंगे, या गिफ्ट कार्ड किस तरह से क्लेम किया जाता है, इस वीडियो में अच्छी तरह से बताने वाले हैं। तो क्या करना, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फोन पे ओपन कर लेना है। तो इससे निकल जाना, आपको क्या करना, अपना फोन पे ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना फोन पे ओपन करते हो, आपका जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड फिलअप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने प्रोफाइल में चले जाना है। अपने प्रोफाइल में जैसे ही आप चले जाते हो, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, और यहाँ पे दिख जाएगा आपका वॉलेट में पैसा रहेगा तो वॉलेट में दिखेगा, और फोन पे गिफ्ट कार्ड में भी दिख जाएगा। तो अगर आपके फोन पे गिफ्ट कार्ड में है तो मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे अगर आपका पैसा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको क्लेम करना है, किस तरह से करना है, यहाँ पे क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे गिफ्ट कार्ड नंबर और पिन कहाँ से लाए, कैसे लाए, और ये कहाँ पे रहता है, तो ये भी अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक हो जाना है। फिर आपको बता दे कि यहाँ पे जो भी आपका पैसा रहेगा वो किस तरह से आपको बैंक अकाउंट में ऐड करना है। अगर आपका बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है तो मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और बता दी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाय न्यू कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, यहाँ से आप फोन पे गिफ्ट कार्ड में 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, मिनिमम 1 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये तक यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 5 रुपये परचेस करने वाला हूँ। 5 रुपये ऐड करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है और पे नाउ पे क्लिक करना है। मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए। फिर जो भी आपका पासवर्ड है, जैसे कि मेरा जो भी पासवर्ड है, मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, और यहाँ पे कनेक्टिंग सिक्योरली, और यहाँ पे मेरा जो भी है परचेस हो जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज बता रहा है, तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। आपको बता दूँ कि यहाँ के मैं 1 रुपये परचेस करने वाला हूँ। तो जैसे कि पे 1 रुपये पे देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना फिलअप कर देता हूँ जो भी मेरा पिन है, और यहाँ पे वेट करते हैं। तो यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं मेरा ये पे हो जा रहा है बस। तो फिर आप जैसे ही यहाँ पे इस तरह से परचेस कर लेते हो, जैसे कि आप 250 रुपये परचेस करो, जितना रुपए भी परचेस कर सकते हो यहाँ पे, और आपका यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिखाई दे देगा, 10/8/2024 में मेरा एक्सपायर होने वाला है, और यहाँ पे मैंने परचेस कर लिया। अब किस तरह से इसको क्लेम करना है ये भी बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो आपका गिफ्ट कार्ड नंबर है, और ये दोनों को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट वाले को, और स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ इसको। और किस तरह से क्लेम करना है आपको देखते जाना है, किस तरह से क्लेम करना है। ये करने के बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से कर लियो। अब आपको क्या करना है, क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आपका कार्ड नंबर है ये फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ पर पिन इंटर कर देना है, तो मैं पिन इंटर कर देता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर पिन इंटर कर देता हूँ, 3398990, और यहाँ पे कंफर्म वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका 1 रुपये ऐड हो जाता है। इस तरह से आप 1 रुपये ऐड कर सकते हो, और जितना रुपए भी आप क्लेम करना चाहते हो आराम से क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मेरा 1 रुपये क्लेम हो गया है, और यहाँ पे जो आप देख रहे थे कहाँ से लाना है तो वो भी मैं आपको बता दिया। अब आपको अगर इसमें पैसे हैं आपके, 100 रुपये है, 200 रुपये आप रेफर करके अर्न किए हैं, तो ये पैसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हो, किस तरह से लेना है, तो इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फुल वीडियो बनाया हुआ है, आराम से जाके देख सकते हो, और आप अपने पैसे को आराम से बैंक अकाउंट में भेज सकते हो।